FBR का टैक्स डिफॉल्टर हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अल हफीज गार्डन हाउसिंग स्कीम फेज टू मनावा का ऑडिट किया गया, 90 लाख की रिकवरी भी की गई है। FBR के जानिब से टैक्स डिफॉल्टर हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अल हफीज गार्डन हाउसिंग स्कीम फेज टू मनावा का ऑडिट किया, 90 लाख की रिकवरी की गई है। FBR इन एक्शन नज़र आ रही है और डिफ़ॉल्टर हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया जा रहा है, जबकि अल हफीज गार्डन हाउसिंग स्कीम फेज़ टू मरावा का ऑडिट किया, 90 लाख की रिकवरी की। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शब्बीर हैदर से। जी शब्बीर, शब्बीर बताइएगा, FBR की जानिब से टैक्स डिफ़ॉल्टर हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जी, FBR का टैक्स डिफॉल्टर हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसमें FBR ने अल हफीज गार्डन हाउसिंग स्कीम फेज टू मनावा का ऑर्डर करने के बाद 90 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है, जबकि इजहार मन्नू डेवलपर रायवन रोड और आजादी गार्डन शेखपुर रोड उनका ऑर्डर जारी है। FBR जो है का कहना है कि जो अल हफीज गार्डन हाउसिंग स्कीम जो फेज टू है मनावा में, उनका ऑडिट साल 2016 का किया गया, जबकि इजहार मनु डेवलपर का साल 2016 का ऑडिट और राजी गार्डन शरकपुर रोड जो इनकम उनका इनकम टैक्स साल 2015 का ऑडिट किया जा रहा है। जरा क्या कहना है कि इनके तमाम रिकॉर्ड की छानबीन करने के बाद जो टैक्स का है वो तखमीना लगाया जाएगा कि इनकी तरफ कितना टैक्स बनता है, और टैक्स का तखमीना लगाने के बाद उनसे रिकवरी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर हैदर।